नमस्कार, मैं हूं यास्मीन। सुशांत सिंह मामले को लेकर चल रही राजनीतिक सियासत के बीच शिवसेना नेता संजय राउत अपने बयानों की वजह से चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब उन्होंने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के लिए अपना समर्थन दिखा दिया है। दरअसल सुशांत सिंह और उनकी एक्स मैनेजर दिशा सालियान के कथित आत्महत्या मामले से आदित्य ठाकरे का कनेक्शन होने का भाजपा नेता नारायण राणे ने बातों ही बातों में इशारा किया था, जिसके बाद से लोगों ने आदित्य ठाकरे के नाम को भी इस केस में घसीटना शुरू कर दिया। ऐसे में शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत को आदित्य ठाकरे के लिए हमदर्दी जाग गई है। आदित्य ठाकरे के बचाव में उतरे संजय राउत ने अब मीडिया के लोगों पर हमला बोल डाला है। संजय राउत के मुताबिक आदित्य ठाकरे का नाम इस मामले में केवल मीडिया की वजह से आया है, कोई भी किसी का नाम ले सकता है। बड़े लोगों और बड़े परिवारों के नाम को लेकर लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। आजकल ये मीडिया का तरीका बन गया है कि वो किसी का भी नाम ले लेते हैं। यही नहीं, संजय राउत का कहना है कि महाराष्ट्र में चल रही शिवसेना सरकार विपक्ष के नेताओं को हजम नहीं हो रही है, इसलिए लोग राजनीति के तहत उन पर कीचड़ उछाल रहे हैं। बताते चले कि सुशांत मामले को 2 महीने हो जाने के बावजूद कोई FIR दर्ज नहीं करने और CBI का विरोध करने को लेकर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार निशाने पर है और सोशल मीडिया पर बिहार सरकार वर्सेस महाराष्ट्र सरकार का मुद्दा छिड़ गया है। ये मेरी जानकारी है और ये सच। उनके फैमिली में क्या चल रहा था वो भी एक जांच का, वो बिहार में खास। कितने बार सुशांत अपने पिता को मिलने गया था पटना में, आप देखिए उतना आप प्यार, जो आपको शौक हाँ सदमा, ये सब शब्द मैंने देखे हैं उनके। मुझे संवेदना है पिता के बारे में, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सच, वो सच आप सामने आएगा। इसी डर से कोई इस प्रकार से जांच को गुमराह करने की कोशिश क्या कोई कर रहा है? अगर है तो मुंबई पुलिस ये षड्यंत्र को पर्दाफाश कर दे।